नमस्कार मित्रों, ओनली यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी एग्जाम देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है और इस परीक्षा को पास करने वाले को आईएएस अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आईएएस बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा को पास करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनमें से कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। आईएएस अधिकारी निधि श्रीवाज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम को पास करने के लिए खुद को 6 महीने तक एक कमरे में बंद रखा और पढ़ाई के लिए अपना समय समर्पित कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले निधि श्रीवाज ने 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाने का मन बनाया और 12वीं के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। कहा जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लेकिन निधि श्रीवाज ने इसे गलत साबित किया और मैकेनिकल में डिग्री हासिल की। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद निधि श्रीवाज को हैदराबाद की एक कंपनी में जॉब मिल गई और वह हैदराबाद में शिफ्ट हो गई। 2 साल तक जॉब करने के बाद निधि के मन में आया कि वह इस जॉब के लिए नहीं बनी है और उन्हें कुछ अलग करना है। निधि का करियर लगभग सेट हो चुका था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे अब आईएएस ऑफिसर बनकर ही मानेंगी। निधि श्रीवाज ने अपने लक्ष्य पर फोकस किया और पूरी मेहनत के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई, लेकिन 2 बार वह इसमें नाकामयाब रही। लगातार 2 असफलता के बाद निधि श्रीवाज खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच घर वालों ने उनके सामने शर्त रख दी कि अगर इस बार वे फेल हुई तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। निधि ने घर वालों की शर्त मान ली, लेकिन इसके साथ ही यह भी ठान लिया कि इस बार यूपीएससी की परीक्षा जरूर पास करेंगी। निधि श्रीवाज को यह पता था कि 3रा प्रयास उनका अंतिम प्रयास होगा और इस बार अगर वह सफल नहीं होंगी तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने तैयारी में अपनी सारी ताकत झोंक दी और एग्जाम की तैयारी के लिए निधि ने खुद को करीब 6 महीने तक अपने कमरे में बंद कर लिया। घर में रहते हुए भी वह घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, सारा समय किताबों में लगी रहती थी। वह मानती हैं कि ऐसे समय में पारिवारिक बातें उनका ध्यान भटका रही थी। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए निधि श्रीवाज ने ना ही किसी तरह की कोचिंग ली और ना ही सोशल ग्रुप में शामिल हुई। आखिरकार निधि की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने 3रे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 83 हासिल की। इस तरह निधि को मनपसंद एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मिल गई। धन्यवाद।